घर में अचानक आग लग गई। लड़की ने फायर ब्रिगेड से फोन किया, जल्दी आइए मेरे घर में आग लग गई है। उधर से पप्पू ने जवाब दिया, पानी डालो पानी। लड़की, पानी डाला है फिर भी आग नहीं बुझ रही। पप्पू, तो फिर हम आकर क्या करेंगे, हम भी तो पानी ही डालेंगे। नो 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 बस में एक मोटे आदमी ने आपके पैर पर पैर रख दिया। अरे बेटा, लगी तो नहीं? जवाब, नहीं अंकल, बहुत मजा आया, एक बार और रखिए ना। नो 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 गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। पप्पू ने लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने पप्पू को एक जोर का थप्पड़ मारा। पप्पू बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा था। लड़की बोली, मैं भी तो कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। नो 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 भारत सरकार 2024 के पहले की सभी नोटों को रद्द करने की घोषणा की है। अब कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी ही घोषणा शादी के बारे में भी आएगी। नो 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 एक लड़की से उसकी शादी के बाद पहली बार उसकी सहेली मिलने आती है। वो आपस में बातें कर रही होती है तो लड़की उसे बताती है, लड़की, मुझे अपने पति पर शक है कि वो रोज बाहर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली हैरानी से बोली, ओह, अब तुम क्या करोगे? आज ही उसके पीछे अपने दोनों बॉयफ्रेंड को लगाती हूँ। नो 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 एक खान साहब को खाने के बाद उंगली चाटने की बहुत आदत थी। एक बार एक दावत में खाने के बाद उन्होंने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। बाजू वाले साहब ने भी अपना हाथ आगे करके कहा, जरा इसे भी साफ कर दीजिए। सास भगवान ने तुम्हें दो दो आंखें दी है, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू, भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर नहीं चबा सकती। नो 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 अरे ओ पगली, कितनी बार मेरी बीपी चेक करेगी? इतनी बार तो डॉक्टर भी मेरी बीपी चेक नहीं करता है।